पाकिस्तान टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शौकत महमूद। प्रोग्राम चलते चलते में आज हम पहुंचे हैं लियाकत चौक जमील टाउन। यहां पे एक पंसार स्टोर है कलंदरी पंसार स्टोर के नाम से। तो ये कलंदरी पंसार स्टोर इलाके का एक मशहूर स्टोर है जहां पे पंसार की तमाम आइटम दस्तियाब हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी आइटम हैं और ये क्या क्या कुछ सेल कर रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? रहमानुल्लाह खान। रहमानुल्लाह खान साहब, ये बताइए कि ये जो कलंदरी पंसार स्टोर है जी सर, ये कब से कायम है? ये यहाँ पे 1.5 साल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और लोगों का एतमाद है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आवाम को अच्छी क्वालिटी दें और रेट मुनासिब हो जी। तो इसी वजह से हमने एक अवान टाउन में भी ब्रांच बनाया है जी, आवाम की सहूलत के लिए, और मज़ीद इंशाल्लाह और भी ब्रांच बना रहे हैं जी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, लोगों का बहुत एतमाद है हमारे ऊपर, और क्वालिटी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी है, प्राइस भी मुनासिब है जी। और दूसरा हमारे पास तबीब भी हैं जो तिबिया कॉलेज से, उन्होंने पूरा सनद हासिल किया हुआ है। हमारे पास ये भी सहूलत है कि जो पेशेंट आते हैं हम उसको दवाई वगैरह स्कीम के ज़रिए से वो तो हम दे देते हैं ना जी। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अभी आप ये ज़रा फर्दन बताइए कि आपके पास कौन कौन सी आइटम है? हमारे पास जी पंसार की ये ना कि ए से लेकर जेड तक सारी जड़ी बूटियाँ हैं। दूसरा इसके अलावा हमदर्द की, करशी की, अजमल की, अशरफ की, मरहबा की, और जो अच्छी कंपनियों की मेडिसन है वो हमारे पास है जी। इसके अलावा हमारे पास पेशावर चसदे की गोड़ हैं, खाले शहद है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ ड्राई फ्रूट भी है जी हमारे पास। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग एतमाद से ले रहे हैं जी, और क्वालिटी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है इंशाल्लाह जी। और मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं ना कि आवाम को अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड कर दें जी। ठीक है। ये जो दवाइयाँ पड़ी है, मेडिसिन पड़ी हुई है, ये पेटेंट कंपनियों की रखते हैं आप? हाँ जी, हमारे पास जो अच्छी कंपनी के हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है जी, जिस तरह हम दर्द हो गया, कर्शी हो गया जी, तो अशरफ हो गया, अजमल का हो गया जी, पारम सेवन जिसके पास है उसकी हम मेडिसिन रखते हैं ना जी। इसके अलावा बाकी हम कोई मेडिसिन न रखते हैं, वो ना हम सेल करते हैं जी। ठीक है। थोड़ा सा तारफ कराएंगे हमारे नाज़रीन के लिए क्या? वो हमारे हकीम साहब हैं जी, वो इंशाल्लाह आपको बता देगा। अच्छा। उसका नाम जी तबीब मोहम्मद बिलाल भट्ट साहब हैं जी, जो हमारा भाई है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब, हम आपके पास आए हैं कलंदरी पंसार स्टोर पे जी। तो आप माशाल्लाह मुस्तनद तबीब हैं जी। तो आपने ये कहाँ से क्वालिफाई किया हुआ? जी मैंने अंजुमन अदारा हमायतुल इस्लाम तिबिया कॉलेज यतीम खाना वहाँ से 97 में क्वालिफाई किया था। 97 किया था। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हर्बल मेडिसन की, वो आजकल लोगों का क्या रुझान है? जी रुझान तो जो है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ YouTube चैनल्स और इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव चैनल्स हैं उनकी वजह से भी लोगों का ट्रेंड जो है वो हर्बल की तरफ जो है बढ़ रहा है। हाँ जी। दूसरा ये कि एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं वो मतलब दूसरी जो पैथीज हैं उनमें एमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद जो ऐसी बीमारियाँ जो वरासती हैं, इनहेरिटेड हैं, या ये कह लें कि जिनका वास्ता जो है वो सारी ज़िंदगी रहता है इंसान के साथ, उन चीज़ों में हर्बल जो मेडिसिन है वो काफ़ी जो है मौसर है, और उसके लिए लोग रब्ता भी करते हैं। ये इसका प्रोसीजर थोड़ा सा तवील होता है जी? एक्चुअली बात ये है कि ये मेडिसिन सिस्टमेटिक मेडिसिन है, ये आपके सिस्टम को जो है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। इसका फिलॉसफी हर पैथी की अपनी अपनी है, इसमें मिजाज वगैरह को देखा जाता है और मिजाज के मुताबिक दवाई चेंज हो जाती है। जैसे कोई बीमारी की वजह एक नहीं है, इसी तरह कोई दवाई एक नहीं है, तो जिसका जैसा मिजाज होता है उस लिहाज से उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करते हैं जी। राइट। तो मतलब है कि लोग शफायाब होते हैं और वो आपके पास दोबारा आते होंगे, पूछते होंगे? जी जी बिल्कुल। उसकी परसेंटेज होती है जो अमराज का जो है वो अपना बिहेवियर होता है। अब बाज़ दफ़ा मतलब अगर हम जॉइंटस की बात करते हैं तो उसको मुमी तौर पे हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं जी। तो उसका एक टेन्योर, उसकी ड्यूरेशन है,
वो 14 दिन भी होती है, वो 21 दिन भी हो सकता है, वो 1.25 महीना भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी वायरस की जो है वो जो है ना उसकी इनक्यूबेशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 ग्रिल हट माई बर्गर पेश करते हैं आपकी खिदमत में। ग्रिल बर्गर की उसी रेंज और शवारमा के साथ साथ स्पेशल पिज्जा, मजेदार फ्राइज, फ्री होम डिलीवरी के लिए सुल्ताना आर्के ब्रांच नंबर 1, 0300-4312-901, 0321-4075-225, ब्रांच नंबर 2, मून मार्केट, अलामा इकबाल टाउन, लाहौर, 0333-4075-225। 15 दिन में इधर जो है वो एवरेज जो है उसमें रिलीव हो जाता है, और लोगों का ट्रेंड भी है। ऐसी बीमारियां जो आम जुबान में वो कहते हैं कि जो दूसरी पैथीज हैं उनमें गर्म दवाइयाँ होती हैं, और ये दवाइयाँ जो हैं इनके मुज़र असरात कम है उनकी नस्बत। और वैसे भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हर मुल्क में जो है उसका रिवाज होता है, जैसे चाइना में आप देख लें, अच्छा, वो अपनी वो अपनी हर्ब्स यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक ही वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनको उनकी गवर्नमेंट की भी जो है वो आला सरपरस्ती मौजूद है, अब भी गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये कि थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे यहाँ पे भी इन्होंने किया ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जी जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी बिल्कुल जी वैकेंसीज हैं वहाँ पे वो बैठते हैं और नुस्खा वगैरह लिख के देते हैं जी बिल्कुल बेशक। लेकिन एक एलोपैथी का जो एक है ना, एलोपैथिक में ये है ना कि रैपिड रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, तो वो आजकल ज़्यादातर उसी के ऊपर लोग पसंद करते हैं कि जी आज मैंने दवाई ली जी मैं शाम को ठीक हो गया, सुबह ली, रात को ली, सुबह ठीक हो गया। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो बताइए कि इसके बारे में इसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जी बात ये है कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि एमरजेंसी जो है वो एलोपैथिक में जो है सर्जरी और एमरजेंसी जो है वो उसको रिकवर किया जाता है। तिब तो जो है वो सबकी मिरास है, जो मेहनत करेगा, जो आगे बढ़ेगा, साइंस की बेस पे चलेगा, वो जो है उसको कामयाबी मिलेगी। बाकी ये कि उनका इलाज करने का तरीका और हमारे इलाज करने के तरीके में फ़र्क है। बुखार वो भी उतारते हैं पैनाडोल से, बुखार हम भी उतारते हैं अपनी मेडिसिन से। आज के दौर में पेशेंट जो है वो टाइम नहीं देता, पेशेंट के पास पेशेंट कहता है कि इवन के वो जीपी के पास भी जाता है तो वो एक दिन में अगर आराम नहीं आता जीपी से तो वो दूसरे जीपी को कंसल्ट करता है और फिर वो स्पेशलिस्ट के पास जाता है, और इस तरह वो अपनी मर्ज को भी ख़राब कर लेता है। और जो सेल्फ मेडिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, वो दूसरी पैथिस में भी है, इधर हर्बल में भी है, चैनल्स वगैरह देख के या किसी ने कह दिया तो वो टोटके वगैरह करते रहते हैं। मेरा मशवरा ये है कि अमराज के लिए बाकायदा मुस्तनद तबीब से इलाज के लिए रब्ता करना चाहिए, फिर जो है वो तबीब के लिए भी और तिब के लिए भी फ़ायदा है कि उससे बदनामी वगैरह और जो है वो मामला वो ठीक रहते हैं कि मुस्तनद तबीब से अगर आप इलाज करवाते हैं। अगर ख़ुद से कोई भी चाहे एलोपैथिक की भी आप मेडिसिन खुद से इस्तेमाल करें तो वो गलत है। वो गलत जी जी बिल्कुल ऐसा ही है जी कि अगर ख़ुद जो हम प्रैक्टिस करते हैं ख़ुद से कह किसी ने कहा जी ये मेडिसिन ले लें वो ले लें तो वो हर सिस्टम में ही वो गलत है, वो ख़राब है। अच्छा थोड़ा सा आप ये व्हाट्सएप बताइएगा कि हमें यहाँ पे स्टोर में कौन कौन सी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है। जी तकरीबन तमाम अमराज की मेडिसिन मौजूद हैं, जो जनरली जैसे मैदे के अमराज हैं, उसके अलावा लीवर के अमराज हैं, गुर्दे के अमराज हैं, और उसके अलावा आप कह लें कि नर्वस सिस्टम के मामलात हैं। वो फिर जिस तरह का पेशेंट हो, उसका मिजाज हो, उसके मुताबिक दवाई उसको हर्बल दे दी जाती है। इसमें मुख्तलिफ कंपनियाँ जो फार्म 6-7 होल्डर हैं उसमें हमदर्द है, अशरफ है, अजमल है और करशी है, इनकी हम मेडिसिन रखते हैं। तो वो जिस तरह का मर्ज हो उसके मुताबिक हम उसको ट्रीट कर देते हैं। चलो जी बहुत शुक्रिया जी आपका। जी नाज़रीन अब आपको दिखाते हैं कि जी इनके पास क्या क्या कुछ अवेलेबल है। भट्ट साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि किसी भी मर्ज़ का इलाज जो है वो ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन किसी भी पैथी में जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुस्तनद तबीब से ही मशवरा लेना चाहिए और उनकी रहनुमाई पर ही मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर इनके पास तमाम किस्म की हर्बल मेडिसिन पेटेंट कंपनियों की मौजूद है और जड़ी बूटियाँ जो भी ये इस्तेमाल होती हैं वो सारी इनके पास मौजूद है और एक मुस्तनद तबीब भी इनके पास बैठते हैं आपकी रहनुमाई के लिए। तो आप भी तशरीफ़ लाएँ, जमील टाउन नज़्द लियाकत चौक सब्ज़ाज़ार पे तशरीफ़ लाएँ कलंदरी दवाखाने पे। और इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी शौकत महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।